ये है आमीन, जिसकी उम्र 7 साल। पिछले 4 साल से अपने पिता के साथ देश के सभी नामचीन हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा था, क्योंकि इसको जन्म से सांस फूलने, बार बार बीमार होने, कमजोरी सहित कई तरह की परेशानियां थी। आमीन को एरेटोपर्मोनरी विंडो के साथ आर्क इंटरप्शन था। इसमें बच्चे के शरीर में ब्लड ले जाने वाली नली के बीच छेद था। इसके उपचार के लिए भीलवाड़ा के उदयवास गांव निवासी अली अपने बेटे आमीन को लेकर अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, दिल्ली सहित कई जगह पहुंचे और आमीन का इलाज करवाना चाहा, लेकिन उसका कहीं भी ऑपरेशन नहीं हो पाया। पूरे भारत में मैंने, सबसे पहले तो मैं ले गया था अहमदाबाद, अहमदाबाद ले गया था तो इन्होंने बोला कि मतलब ऑपरेशन हो जाएगा, आप कर देना, लेकिन उन्होंने भी फिर मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं हो सकता। फिर मैं वहाँ से वापस लेके आया हूँ। उसके बाद राजकोट गया, राजकोट के बाद में मित्तल हॉस्पिटल में आया, मित्तल हॉस्पिटल से जयपुर, उदयपुर, अजमेर, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ लेके बच्चे को घूमा, लेकिन किसी ने भी मतलब नहीं कहा कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन हो जाए। भारत में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं रहा आरट का जिसमें मैं बच्चे को नहीं ले गया। उदास अली अपने बेटे को लेकर कोटा में सुधा हॉस्पिटल पहुंचे और हार्ट सर्जन पलकेश अग्रवाल से मिले और समस्या बताई। भीलवाड़ा से जो बच्चा हमारे पास आया था, उसको भी हार्ट डिफेक्ट था। उसको जो हार्ट डिफेक्ट था, उसमें ये जो दो नलियां होती हैं, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, इसके बीच में बहुत बड़ा सा छेद था और ये जो मेन नली होती है, ये दो टुकड़ों में बनी हुई थी। एक टुकड़ा यहाँ से डिसकंटिन्यू हो रहा था, इसके बाद ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं थी, और दूसरा टुकड़ा जो है यहाँ से निकल रहा था, इसी लाल नली का, जो कि एक होती है सामान्यतः। तो इसका, इस बीमारी का बच्चे को जो है, बच्चे के अभिभावकों को 2-3 साल की उम्र में पता लग गया था, और उनका यह कहना है कि लगभग 4 साल की उम्र से जो है वो बच्चे को लिए लिए कई जगह फिर चुके हैं पूर्ण भारत में। अहमदाबाद गए थे, राजकोट गए थे, उदयपुर गए थे, लेकिन वहाँ बताया गया कि बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। लेकिन हमने जब यहाँ पे देखा तो हमें लगा कि बच्चे का ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे का ऑपरेशन नहीं किया गया तो बच्चे की कोई ज़िंदगी नहीं है आगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 10 या 12 साल निकाल पाएगा, उसके बाद जो है वो उसकी आगे लाइफ नहीं रहेगी। असामान्य जीवन जी रहा आमीन की विभिन्न जाँचों के साथ डॉक्टर पलकेश अग्रवाल और उनकी टीम ने आमीन का सफल ऑपरेशन किया और उसको जीवन दान दिया। आमीन का ये ऑपरेशन 1 से 1.5 साल की उम्र में हो जाना चाहिए था, लेकिन रिस्क अधिक होने की वजह से किसी ने भी ऑपरेशन नहीं किया। संभवतः यह राजस्थान का पहला केस हो सकता है जब उम्र निकलने के बाद और गंभीर स्थिति होने पर बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया। ये डिफेक्ट जो है, इसको एओर्टोपल्मोनरी विंडो विद इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च कहते हैं। इसका इलाज जो है, इसका ऑपरेशन जो है, 1 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए। बच्चा 7 साल तक पहुंच गया, तो अब इस छेद ने, इस डिफेक्ट ने बच्चे के हार्ट में कई सारे बदलाव प्रकट कर दिए। हार्ट की साइज़ बढ़ गई, बच्चे के फेफड़े पिचक गए, लेकिन फिर भी इन सब दुविधाओं का सामना करते हुए ऑपरेशन हुआ बच्चे का। और अभी बच्चा जो है, ऑपरेशन के करीब 12 दिन हो गए हैं, बच्चा पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, वो अच्छे से खाना खा रहा है, चल फिर रहा है, और आने वाले 1-2 हफ्ते में बच्चा और भी पूर्ण तरीके से दूसरे बच्चे की, सामान्य बच्चे की तरह हो जाएगा। इस ऑपरेशन में काफ़ी जटिलता थी। इस ऑपरेशन में बच्चे का टेम्परेचर भी हमको 24 डिग्री सेल्सियस तक करना पड़ा था कुछ समय के लिए, और लेकिन ये सारी विकट परिस्थितियों से बच्चा जो है बाहर आ गया और अभी बच्चा पूर्ण तरीके से स्वस्थ है। यह ऑपरेशन भी भामाशाह योजना के तहत निःशुल्क हुआ। पिता अली ने अपने बच्चे को स्वस्थ होते हुए देखा, अपनी खुशी इस प्रकार बयां की। हाँ, एक बात और, यह जटिल ऑपरेशन भामाशाह योजना के तहत निःशुल्क किया गया,
भी इन्होंने इतना अच्छा मेरे बच्चे का मतलब हृदय का सफल ऑपरेशन किया, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही कोटा वालों का जिन्होंने ब्लड डोनेट करवाया, अरेंज करवाया, उनका साथ ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बच्चे का जो ऑपरेशन हुआ था वो भामाशाह के तहत बिल्कुल निःशुल्क हुआ, एक भी रुपया नहीं लगा यहाँ पे आने के बाद में। आमीन के इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सुधा हॉस्पिटल के हार्ट सर्जन डॉक्टर पलकेश अग्रवाल और उनकी टीम ने ये साबित कर दिया, बच्चों को नया जीवन देने को सुधा हॉस्पिटल कृत संकल्पित है और रहेगा। बच्चे को बेसिकली हमें एपी विंडो क्लोजर करना था ऑपरेशन, जिसमें ओटा और पनमरी की जो बीच में कनेक्शन हो रहा है उसको हमें बंद करके पर्दा लगाना था, ताकि वो पल्मोनरी आर्टरी का फ्लो और ओटा का फ्लो अलग अलग जा सके, मिक्सिंग ना हो। और साथ में हमें जो दिल के छेद थे वो भी बंद करने थे, जिसको AVSD बोलते। तो और बेसिकली AP विंडो क्लोजर प्लस AVSD रिपेयर हमने पूरा प्रोसीजर किया और ये प्रोसीजर सफल रहा। बच्चा ऑपरेशन के बाद बड़े अच्छे से आया और उसने पोस्ट ऑप कोर्स बहुत अच्छे से निकाला और आज वो अच्छे से डिस्चार्ज होके घर गया। उसको ना सांस की प्रॉब्लम है और उसकी बढ़ती उम्र के हिसाब से जो आगे की प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर लेगा, मतलब उसमें तकलीफ नहीं आएगी अब बढ़ती उम्र के साथ उसकी।